कर दोस्तों, मैं वंदना नंदा आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ वेब मोरल स्टोरीज की नई स्टोरी। एक बार की बात है कि एक गांव में दो भाई थे। दोनों अपने अलग अलग घरों में रहते। एक के घर से बहुत खराब आवाजें आती, मारपीट की आती, बर्तनों के पटकने की आती। वो भाई शराब के नशे में धुत रहता, जुआ खेलता। और दूसरा भाई, उनके घर की तो बहुत शुद्धि, उनके घर में तो बहुत प्यार, सद्भावना, खुशबुएं बाहर आती, अगरबत्तियों की हवन होते, लोग आते मिलते, अपने विचार विमर्श एक दूसरे से शेयर करते। तो एक उनका फ्रेंड था जो शहर चला गया था और जर्नलिस्ट बन गया। बड़ा होके वापस आया, उसने देखा दो भाइयों को, क्या हो गया इनको। तो उसने सोचा कि चलो मैं इनका इंटरव्यू लेता हूँ। तो वो बड़े भाई के पास गया जो शराबी था इंटरव्यू लेने के लिए। तो उनसे पूछा, भैया आपने अपनी ये कंडीशन कैसे बना ली। उन्होंने बोला, तुम जानते हो हमारे घर का माहौल, पापा बहुत पीते थे, माँ को मारते और हमें तो छोटी छोटी चीज के लिए तरसाते। तो हम बस, मैं उसी माहौल में पैदा हुआ, उसी माहौल को देखा और मैं क्या सीख सकता था, मैं भी वैसा ही बन गया जैसा मेरा माहौल था। फिर ये छोटे भाई के पास गए, उन्होंने बोला, भैया आपकी इतनी इज्जत कैसे हो गई समाज में, हमारे गांव में हर बच्चा बड़ा आपकी इज्जत करता है। वो बोले, आप जानते हो कि मेरे घर का माहौल बहुत बुरा था। मेरे घर में पापा शराब पीते, माँ को मारते, हमको मारते, छोटी छोटी चीजों के लिए हमें तरसाते। तो मैं जब इस इतने बुरे माहौल में बड़ा हुआ, तो मैं अपने अंदर ऐसा क्यों डालूं जो मेरे वातावरण को खराब करे और मेरे परिवार को नष्ट करे। मुझे जो बुरा लगा, मैं अपने परिवार को वैसा वाला माहौल ना दूं, इसलिए मैंने कभी शराब को हाथ नहीं लगाया और मैं काम करता चला गया और मेरी इज्जत अपने आप हो गई। तो दोस्तों, हमने सीखा कि हम एक ही वातावरण से दो भिन्न भिन्न चीजें सीख सकते हैं। या तो हम नकारात्मक ले लें या तो हम सकारात्मक ले लें। हमारे ऊपर निर्धारित है कि हम क्या लेना चाहते हैं। हम पिक्चरें देखने जाते हैं, हर पिक्चर एक मॉरल स्टोरी, मॉरल वैल्यू लेके बनती है, लेकिन उसमें विलेन भी होता है। हम हीरो बने या विलेन बने, ये हमारे ऊपर है। हमने क्या लिया। हम लड़कियों की बर्बादी देख के आते हैं, हम उनको बर्बाद करना सीख के आए या हम उनको बचाना सीख के आए, हमारे ऊपर निर्धारित है कि हमने क्या लिया। हम जब किसी व्यक्ति से बात करते हैं, बच्चों के साथ खेलते हैं, तो बच्चे कुछ बहुत अच्छी लैंग्वेज यूज करते हैं, कुछ बच्चे बहुत गालियां बकते हैं, तो हम उनसे क्या सीख के आए। या तो हम अच्छे शब्द लेके आए या हम बुरे शब्द लेके आए, हमारे ऊपर है। जैसे कि एक हंस, जब उसको दूध दिया जाता है तो वो दूध को तो पी लेता है, उसके अंदर का पानी सेपरेट कर लेता है। उसकी ये कला है, उसकी ये विद्या है, सरस्वती जी का वो वाहन है। तो दोस्तों, हमें भी वैसे बनना पड़ेगा। अच्छाई हम ले लें और बुराई हम छोड़ दें। अगर हम अच्छाई लेते हैं तो हमारा जीवन सुखी और सफल होता है। नमस्कार, जय हिंद।